आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान आध्यात्मिक चिकित्सा से मानसिक बीमारियों का इलाज TSDC कॉलोनी कोतवाली रोड आशीर्वाद एनक्लेव डेरा खास देहरादून 248001 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800121 1526 आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान। खबर अजमेर से। विधायक रावत के प्रयासों से निर्मित एवं संचालित पुष्कर कॉलेज का VC के माध्यम से किया गया लोकार्पण। विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा पूर्व भाजपा कार्यालय में पुष्कर के युवाओं की उच्च शिक्षा की समस्या को गंभीरता से लेकर किए गए अथक प्रयासों से स्वीकृत निर्मित संचालित कराए गए राजकीय पुष्कर महाविद्यालय का लोकार्पण आज अजमेर कलेक्ट्रेट के DOIT सेंटर में VC के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित एवं कॉलेज प्राचार्य मंजुला मिश्रा भी उपस्थिति में किया गया। VC में विधायक रावत ने मुख्यमंत्री का ध्यान कॉलेज के प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करते हुए पुष्कर जैसे आध्यात्मिक तीर्थ नगरी के कॉलेज में संस्कृत विषय न होने की तरफ आकर्षित कर अति शीघ्र नवीन संस्कृत विषय इसी शैक्षणिक वर्ष चालू करने का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ विधायक रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि भाजपा कार्यालय में पुष्कर कॉलेज निर्माण हेतु 3 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें से अभी भी 1.36 करोड़ रुपए PWD के पास अवशेष है। अतः इस राशि से पुष्कर कॉलेज के ही द्वितीय तल पर कक्षा कक्ष, हॉल, लैब निर्माण, पार्किंग, शेड निर्माण, पाथवे निर्माण जैसे मूल सुविधाओं का निर्माण कराया हेतु अविलंब स्वीकृति जारी किए जाने का प्रस्ताव भी विधायक रावत ने रखा। विधायक रावत ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी से अवगत करवाया कि पुष्कर कॉलेज को 1250 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन की फाइल DDR जयपुर स्वागत स्वायत्त शासन विभाग में लंबित है, जिसे शीघ्र निस्तारित कराकर भूमि कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। यही नहीं, विधायक रावत ने मुख्यमंत्री को पुष्कर कॉलेज की पानी की समस्या के निस्तारण हेतु स्वयं द्वारा हाथों हाथ ट्यूबवेल की स्वीकृति देने एवं प्लांटेशन हेतु ट्री गार्ड उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दिए गए जाने के संबंध में अवगत कराते हुए पुष्कर कॉलेज के सौंदर्यकरण हेतु वन विभाग अथवा उद्योग विभाग द्वारा प्लांटेशन कार्य करवाने एवं ताराबंदी कार्य करवाने का प्रस्ताव भी रखा। ज्ञात हो कि विधायक रावत के प्रयासों से भवन निर्माण हेतु 5 सितंबर 2014 को राशि की करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। दिनांक 22 मई 2015 को कॉलेज हेतु भूमि आवंटन करवाया गया। नवंबर 2016-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक रावत द्वारा भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। दिनांक 22 सितंबर 2020 को PWD से कॉलेज प्रशासन कॉलेज को भवन का टेकओवर करवाया गया। साथ ही 27 नवंबर 2020 से नए भवन परिसर में कॉलेज प्रशासन का कार्य प्रारंभ करवाया गया, जो विधायक रावत के अथक प्रयासों से ही सफल हो सका है।